सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर के ठकुराई दिदरी में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण 15 दिनों से पूरा गांव अंधेरे में है। वहीं इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि जेई तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि को कई बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक हम लोग को नया ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। ट्रांसफार्मर खराब होने से लोगों को बरसात के दिनों में सांप बिच्छू का भी भय सता रहा है और खासकर बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मौके पर रेवती रमन, पलटू तिवारी, विकास पांडे, परमील पांडे, रविंद्र पांडे, प्रभात पांडे, रोहित तिवारी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। नीलांबर पीताम्बरपुर से राशिद अनवर की रिपोर्ट। आपका रविंद्रनाथ पांडे, कहाँ घर हुआ? ठकुराई दीदी। क्या परेशानी है? परेशानी है कि बिजली नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, लाइट नहीं है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है, गर्मी से त्राही माम है और गांव है, यहाँ जंगल टाइप का है, सांप बीच निकलता है, किसी भी क्षण किसी दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए बिजली तत्काल हम लोग को उपलब्ध कराया जाए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जीवन जी सकें, जीवन की सुरक्षा हो सके। ट्रांसफार्मर जब से खराब है तब से किसी को आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिया गया है, जेई साहब को कहा गया, मुखिया साहब को कहा गया, जहाँ तक हम लोग को पावर है, कहने का अधिकार है, वहाँ तक वो हम लोगों ने कहा, उससे अधिक हम लोग को अधिकार नहीं है। उसके बाद किसी का कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं आया, हम लोग त्राही माम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज पांडे है। कहाँ घर हुआ? घर ठकुराई दिदरी, जिस गांव में आप अभी हैं। क्या दिक्कत हुआ? जी, विगत 20 दिनों से लगभग ट्रांसफार्मर इतने बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है कि अभी यह किसी काम का लायक नहीं है, बट हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया लेकिन अथक प्रयास के बावजूद भी कोई हमारा रिस्पांस वैसा दे नहीं रहा है। तो इसके लिए किसी को आवेदन दिए थे? जी, हम लोगों ने आवेदन भी दिया, साथ में मिलकर हम लोगों ने फ़ोन वगैरह से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई वैसा हम लोगों को वहाँ से जवाब नहीं मिला है अभी तक। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया कि जल्द ही इस पर ठोस कुछ कदम लेंगे लेकिन उसके बाद वहाँ से भी सब निगेटिव ही कुछ मिला, कुछ वैसा हम लोगों को विशेष अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और बरसात शुरू होने की वजह से हम लोगों का जो परिस्थिति है, सांप बिच्छू का डर, लगातार भय में हम लोग रहते हैं, बच्चे भी समझिए कि उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है।